जोधपुर के बोड़ानाड़ा थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गिरफ्तार बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग गया। दरअसल बोड़ानाड़ा पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। शुक्रवार सुबह वो थाने से मौका पाकर भाग निकला। उसकी फरारी का पता चलते ही थाने में संसद स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। तुरंत कंट्रोल रूम और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस टीमों ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मदनलाल बील निवासी बोड़ानाड़ा है, जिसको एक पारिवारिक मामले में अरेस्ट किया गया था, जो न्यायालय में पेश करने जा रहा था। मीनवाइल वो गेट के पुरकारा में हेड कॉन्स्टेबल के हाथों के साथ खड़ा था और उनको चकमा दे के वहाँ से भाग गया था। तो थोड़ी ही देर बाद उसको है जो पास की कॉलोनी से वापस दस्तियाब कर लिया गया और उसको वहाँ से भागने के आरोप में उसके खिलाफ अलग से प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे एक बार फिर से एक ही घंटे में सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। थानाधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि अब उसके खिलाफ एसआई लिच्छाराम ने फरार होने का एक और मामला दर्ज करवा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र रूडी की रिपोर्ट।